आयारो आगम में कहाँ गया है, सव्वेशिम जीवियम पियम। सब प्राणियों को जीवन प्रिय होता है, भले मनुष्यों को देख लें और प्राणियों पर ध्यान दें, सामान्यतया जीवन प्रिय होता है। सामान्यतया कोई मरना नहीं चाहता, यह एक हमारी मनोवृत्ति या भीतर की वृत्ति है। हम जीवन से प्रतिबद्ध रहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, जिज्ञासा होती है। ऐसी स्थिति में आदमी सोचे कि मुझे जैसे जीवन प्रिय है तो और प्राणियों को भी तो जीवन प्रिय हो सकता है, मैं मरना नहीं चाहता तो दूसरे भी मरना क्यों चाहेंगे, तो मैं दूसरों को भी अपने समान समझूं। मुझे जीवन प्रिय है और मरना अप्रिय है, मैं इसी संदर्भ में दूसरे प्राणियों को देखूं कि उन्हें भी जीना प्रिय और मरना अप्रिय। ऐसी स्थिति में मैं जितना हिंसा से बच सकूं बचने का प्रयास करो। मैं कष्ट पाना नहीं चाहता तो दूसरे भी तो कष्ट से बचना चाहते होंगे। मैं साता सुख साता चाहता हूं तो दूसरे भी सुख साता चाह सकते हैं। मैं सुख साता का इच्छुक हूँ तो दूसरे भी वैसे इच्छुक, मैं फिर दूसरों को कष्ट देने का प्रयास क्यों करूँ। यह एक अहिंसा से जुड़ा हुआ सूत्र है कि सव्वेशिम जीवियम प्रियम, सबको जीवन प्रिय है। अहिंसा की साधना आत्महित के लिए कि मेरी आत्मा के पाप कर्म न लगे, और दूसरों को तकलीफ भी मेरी ओर से न पड़े, जितना संभव हो सके मैं दूसरों को तकलीफ न हो मेरी ओर से, इस बात का ध्यान रखूं। अहिंसा की साधना साधु के लिए तो करणीय होती ही है। जो महाव्रतधारी हैं, भले चतुर्याम धारी हों पंच महाव्रतधारी हों, हम वर्तमान में पंच महाव्रत के संदर्भ में बात करें तो साधु सर्व प्राणातिपात बिरमण महाव्रत का धारक कितनी बड़ी बात है। जीवन में इस प्रकार सर्व प्राणातिपात बिरमण की साधना करना कितना बड़ा त्याग संयम अहिंसा की बात होती है। जिंदगी भर यों अहिंसा के मार्ग पर चलना, और भी महाव्रत हैं उनकी आराधना करना बहुत ऊंची बात होती है। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्री जीतमल जी स्वामी, जिन्हें जयाचार्य हम लोग कहा करते हैं, और श्रीमद जयाचार्य ऐसा उनके लिए हम उच्चारण भी करते हैं, श्रीमान श्रीमत जयाचार्य। हमारे
साधु साध्वियाँ बैठे हैं, एक प्रश्न है कि श्रीमत शब्द जयाचार्य के नाम के आगे तो देखा है, एक सुना है, एक पढ़ा, जो भी, और किसी आचार्य श्री के नाम के आगे श्रीमत नहीं लगाया जाता है, तो इसका क्या कारण रहा है कि जयाचार्य के नाम के आगे यह श्रीमद जोड़ा गया है, और भिक्षु स्वामी से लेकर संभवतः अब तक आम तौर से अन्य किसी आचार्य श्री के नाम के पूर्व श्रीमत शब्द नहीं लगाया जाता है, तो क्या कारण है जयाचार्य के नाम के आगे ही यह क्यों लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, यह श्रीमत शब्द जयाचार्य के नाम के पूर्व लगाना कब से शुरू हुआ? आचार्य श्री तुलसी के समय ही शुरू हुआ या उससे पहले भी कहीं ऐसा उल्लेख मिलता है कि जयाचार्य के नाम के आगे आचार्य श्री तुलसी से पहले भी श्रीमत लगाया जाता था? संभवतः गुरुदेव तुलसी के समय तो हमने भी पढ़ा या सुना होगा श्रीमद जयाचार्य, उससे पहले भी ऐसा प्रयोग होता था क्या? तो दो प्रश्न हो जाते हैं कि केवल जयाचार्य के नाम के पूर्व ही श्रीमत क्यों लगाया गया और कब लगाना शुरू हुआ। तो हमारे जो इतिहास में कुछ रुचि रखने वाले हों, तेरा पंथ इतिहास में जिनका कुछ अध्ययन भी हो, कुछ शोध परक प्रयास भी हो, तो ऐसी चारित्रात्माएं यत्किंचित शोध करने का प्रयास कर सकती हैं जो दो प्रश्न मैंने रखे हैं उनके बारे में। तो श्रीमद् जयाचार्य यानी श्री संपन्न जयाचार्य, जयाचार्य के पास क्या श्री संपन्नता थी? हम देखें जयाचार्य का जीवन काल लगभग 78 ईयर्स 78 वर्षों का रहा था, और उनका संयम पर्याय भी 70 पूरे तो नहीं हुए थे, 70 के अंदर अंदर ही रहा जीवन संयम पर्याय, फिर भी काफी लंबा, 70 के निकट की संख्या वाला उनका संयम पर्याय, और भले 68 के आसपास, जो भी 68-69 जितना भी 70 के अंदर अंदर का रहा, पर फिर भी 78 करीब वर्षों में इतना लंबा संयम पर्याय, तो यह इतना लंबा संयम पर्याय जयाचार्य का रहा है, वह विशेष बात है। बहुत छोटी उम्र में वे संत बन गए थे, और यह संयम पर्याय और इतना बचपन में दीक्षित होकर के संयम पर्याय, यह भी उनकी अपनी श्री एक संपदा थी। जयाचार्य के जीवन को हम देखें, ज्ञान चेतना जो उनमें रही है वह विशिष्ट प्रतीत हो रही है। इतनी ज्ञान चेतना उनमें थी, छोटी उम्र में रचना करना, आगम पर कार्य करना, वैसे आगम संपादन का कार्य हमारे धर्म संघ में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय शुरू हुआ, जो कार्य आज भी गतिमान है। लगभग विक्रम संवत 2012 से
मान लें शुरू हुआ और अब 2081 तो 69 अबाउट ईयर्स अभी भी वह काम चालू है, काफ़ी काम हो गया है और अभी अवशिष्ट भी है आगम का कार्य। तो वैसे यह गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ, परंतु ऐसा लगता है श्रीमद् जयाचार्य ने भी आगम का कार्य किया था। अनेक आगमों पर उन्होंने राजस्थानी भाषा में जोड़ रचना की है। तो आगम का काम तो जयाचार्य ने राजस्थानी भाषा में मानो शुरू कर दिया था। भगवती की जोड़ को हम देखें, थोड़ा आश्चर्य सा हो सकता है, भगवती जैसे आगम पर राजस्थानी भाषा में यों रागों में और इस प्रकार की रचना की है। इतना बड़ा भगवती सूत्र, फिर उसके टीकार, खुद की मान लो कुछ समीक्षार, भगवती जोड़ को देखने से पढ़ने से भी हम जयाचार्य की बहुश्रुतता और साहित्यकारिता और आगम व्यक्तित्व से हम परिचित हो सकते हैं। और भी आगमों पर कुछ कुछ जोड़ उन्होंने रचित की है, और भी कितने ग्रंथ, ब्रह्म विध्वंसनम को देखें, एक ब्रह्म विध्वंसनम को पढ़े तो 13 पंथ के दर्शन को जानने के लिए यह ब्रह्म विध्वंसनम को पढ़ना, और फिर प्रश्नोत्तर तत्व बोध को अधीत कर लेना, इधर तत्वज्ञान की दृष्टि से झीणी चर्चा उसको पढ़ना, कितना तत्वज्ञान, यह तीन गुण ठाणा, अमर कयाचर आदि आदि कितनी गीतिकाएं हैं, संदेह विष औषधि, जिनाज्ञा मुख मंडन, कुमति विहंडन, ऐसे ग्रंथ जयाचार्य की विद्वत्ता के मानो यशोगान करने वाले ग्रंथ हैं। तो वे एक आगमवेत्ता, तत्ववेत्ता आचार्य थे। तो उनकी जो ज्ञान चेतना हम ग्रंथों के माध्यम से देखते हैं, तो उनकी विद्वत्ता के सामने मानो प्रणत हो जाएं। ऐसी विद्वत्ता संभवतः बाहुश्रुत्य और अपने ढंग से बात को फिट करना, ये चीजें हम उनमें देख सकते हैं। एक आचार्य जिनके सामने और भी व्यवस्था संबंधी कार्य भी रहे ही होंगे, ऐसी स्थिति में इतना ज्ञान संबंधी कार्य करना, इतना साहित्य रच देना, उनकी प्रज्ञा और मेधा का यह द्योतक प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विध्वंसनम को साधु साधियां हम जो पढ़ें, अध्ययन करें, तो 13 पंथ दर्शन सिद्धांत, हमारी कुछ परंपरा की ऐसी बातें संभवतः उसके अध्ययन से हमें ज्ञात हो सकती है। और श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने भी फिर ये इस संदर्भ में कुछ प्रश्नोत्तर रूप में जो भी एक सामग्री तैयार कुछ संभवतः हुई थी, हम दिल्ली में थे तब संभवतः कुछ बात हुई होगी, दिल्ली से पहले हुई हो, तो वह भी एक सामग्री कभी सामने आए तो वह ब्रह्म विध्वंसनम का अध्ययन करने वाले
और भ्रम विध्वंसनम के प्रतिपक्ष में आए हुए ग्रंथ को पढ़ने वालों के लिए और कुछ सहायक सामग्री बन सकती है, क्योंकि प्रतिपक्ष को साथ में पढ़ते हैं तो कुछ समीक्षा का भी मौका मिल सकता है, ज्ञान भी ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट हो सकता है। एक पक्ष का अध्ययन कर लें तो एक पक्षीय ज्ञान हो सकता है, प्रतिपक्ष का साथ में अध्ययन करें तो ज्ञान में ज्यादा समग्रता और साथ में समीक्षा बुद्धि हो तो और अच्छा ज्ञान हो सकता है। न्यायाधीश के सामने एक बात, पक्ष वाले दोनों वकील सामने हैं, दोनों की बातें न्यायाधीश सुनता है और फिर वो न्यायाधीश अपना चिंतन स्थिर करता है, अपना निर्णय स्थापित करता है। एक ही वकील की सारी बातें सुने, दूसरे वकील को सुने ही नहीं, तो निर्णय में अन्याय्यता असमीचीनता भी हो सकती है। इसलिए किसी भी दर्शन आदि को पढ़ें तो अगर उसका पूर्व पक्ष भी कोई है अथवा पूर्व पक्ष के बाद उत्तर पक्ष कोई है, उन दोनों पक्षों का और तटस्थ बुद्धि से अगर अनाग्रह भाव से अध्ययन किया जाए तो एक जिज्ञासु को, एक अध्ययनार्थी को ज्यादा यथार्थ में डुबकी लगाने का, यथार्थ के सिंधु में डुबकी लगाने का मौका मिल सकता है। भ्रम विध्वंसनम एक ऐसा संकलन भी साथ में मानो आगम के प्रमाणों का हो गया, बहुत महत्वपूर्ण। तेरा पंथ जैन श्वेतांबर की दृष्टि से वह ग्रंथ है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जयाचार्य की यह ज्ञान चेतना, आगम का कितना उनका अध्ययन रहा होगा और भिक्षु स्वामी के ग्रंथों का भी कितना उनका अध्ययन रहा होगा। भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों के वे मानो भाष्यकार थे, उन्होंने भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों पर जो लेखन या व्याख्यान किया है, व्याख्या की है, वह भिक्षु स्वामी के सिद्धांतों को समझने में बहुत सहायक बन सकती है। श्रीमद् जयाचार्य एक अनुशासन विधि व्यवस्था में भी संभवतः कौशल रखने वाले थे। एक तरफ वे तत्ववेत्ता थे तो दूसरी ओर वे मानव विधि वेत्ता, अनुशासन विधि वेत्ता, व्यवस्था पक्ष वेत्ता, और उनका मानव दिमाग रहा होगा कि व्यवस्था पक्ष को एक और सुंदर रूप दे देना। साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी विराजित हैं, यह साध्वी प्रमुखा जी की परंपरा है, वो हमें कहाँ से मिली? श्रीमद् जयाचार्य की यह देन है कि साध्वी प्रमुखा जी को आज भी हम मानो देख रहे हैं, यानी उन्होंने यह धर्म संघ में, साध्वी समुदाय में संभवतः इस रूप में व्यवस्था की कि यह महासती जो भी नाम पहले रहा हो वो परंपरा चली और आगे से आगे आचार्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहे हैं। तो यह साध्वी प्रमुखा की व्यवस्था है, वो व्यवस्था जगत में एक महत्वपूर्ण कदम संभवतः दयाचार्य ने उठाया था। और आज तो लगता है कि
कि जयाचार्य ने कितना महत्वपूर्ण काम कर दिया, अपने उत्तराधिकारियों के लिए कितनी एक सुगमता कर दी। यह महासती साध्वी प्रमुखा की एक परंपरा को स्थापित करके उन्होंने महासती सरदारान जी को एक प्रथम इस रूप में मुखिया के रूप में उन्होंने आगे लाया, और फिर आगे से आगे वो परंपरा चलती रही। तो यह विधिवेत्ता अनुशासन व्यवस्था के पक्ष में उनका एक महत्वपूर्ण कदम रहा है जिसको उन्होंने उठाया था और जिसकी प्रासंगिकता आज भी प्रतीत हो रही है। व्यवस्था जगत में उन्होंने किस प्रकार यह संघीयकरण किया है, मानो पुस्तकों का ओर का, और किस प्रकार ये सिंगाड़ों की ओर की व्यवस्था श्रीमद् जयाचार्य के युग में हुई है, और जयाचार्य के समय से जो धर्म संघ का एक रूप बना है, मैं अगर कहीं भूल न हो तो इस प्रकार कहना चाहूँगा कि श्रीमद् यानी परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने जो ग्रंथ रचना की, 13 पंथ रूपी महाग्रंथ प्रस्तुत किया, उसका पहला संस्करण तो भिक्षु स्वामी के समय आ गया, उसका दूसरा संस्करण मानो कि एक तरह से जयाचार्य के समय आ गया। तो 13 पंथ महाग्रंथ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने वाले या प्रस्तुत करने वाले श्रीमद् जयाचार्य थे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं, और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।